Yok adam. Hey, hi. मैंने सोचा अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज देती हूँ. कैसे हो तुम? पहले से बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ याद आना बाकी है. बस कभी कभी धुंधला सा याद आता है, पर जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए. डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा. अच्छा सुनो, तुम्हारी जो नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए तुमने जो पेंटिंग्स बनाई है वो मुझे दिखाओ तो सही. हाँ प्लीज कम. हो क्या गया है? ये पेंटिंग तुम्हारी स्टाइल की बिल्कुल भी नहीं है. तुम तो अपनी ब्राइट, हैप्पी, कलरफुल, पॉजिटिविटी से भरे हुए पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हो, लेकिन ये सब देखो कितना डार्क, उदास, बदसूरत, अजीब सा है. मुझे लगता है मुझे तुम्हारे एग्जीबिशन की डेट आगे करनी पड़ेगी, जब तक कि तुम फिर से पहले वाले गौतम नहीं बन जाते. मैं चलती हूँ. ओके, यू टेक केयर. ये आपका स्टाइल नहीं है. आपको रियलिटी पेंट करना अच्छा लगता है. डार्क, ग्रिम, दुखी, सीरियस, बदसूरत रियलिटी. विशाल, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन गौतम ने जो अब पेंटिंग बनाई वो पहले जैसे बिल्कुल अच्छी नहीं है. जो भी गौतम के साथ हुआ ना, मुझे उसका बहुत अफसोस है. लेकिन अगर वो इसी तरह पेंट करता रहा तो उसकी बनाई हुई पेंटिंग इसकी मैं एग्जीबिशन नहीं रख सकती. ऐसी अजीब डिप्रेशन वाली पेंटिंग गौतम की हो ही नहीं सकती. कौन खरीदेगा उन्हें? रश्मि, मैं गौतम से बात करता हूँ. प्लीज डू मी अ फेवर, गौतम को एक मौका दो ना. ओके. ये आवाज कहां से आई? आवाज तो किचन से आ रही. केटल यहां कैसे आ गई? कोई है क्या यहां पर? कोई है यहां? देखो सामने आओ. कौन है? मैं कहती हूं सामने आओ. कोई है? Jack.
ये यहाँ पे कैसे आई? ये तो गौतम की पेंटिंग है। गौतम जी, आपकी चाय बना दूं? अरे सुबह के 7 बज चुके हैं और आप अभी तक सो रहे हैं। चलिए उठिए, पेंटिंग कीजिए। देखो आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे और सोना है, सोने दो। बिल्कुल नहीं सोना है अब, चलो उठो। ये बच्चों की तरह बीमारी का नाटक मत करो, एक कलाकार हो, कला के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाओ। अरे 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 कुछ नहीं, चलो 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 उठो, चाय बनाते हो, आ जाओ। आ गए आप, लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। तो आज कौन सी पेंटिंग बना रहे हो? आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, पेंटिंग बनाने का मूड नहीं है। व्हाट? मूड नहीं मतलब क्या होता है? पेंटिंग कैसे नहीं बनेगी? लगता है तुम में अब वो बात नहीं रही जो हुआ करती थी। जिस पेंटर का मूड नहीं पेंटिंग करने में, वो किस काम का पेंटर? जबान संभाल के बात करो और मेरे काम में दखल मत दो। इस घर की केयरटेक करो, साफ सफाई करो और जाओ यहाँ से। अच्छा अब भी बताती हूँ। ये वो कमरा नहीं है जहां इसने मुझे धक्का दिया था, तो फिर वो कौन सा कमरा? वो ढूंढना पड़ेगा मुझे।